नमस्कार। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम अमेरिकी संविधान की संसद देख रहे हैं। संसद में सीनेट हमने देख ली थी, आज हम प्रतिनिधि सभा की बात करेंगे। सीनेट जो है वो द्वितीय सदन है और प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है। तो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कांग्रेस का लोकप्रिय सदन प्रतिनिधि सभा है। इसका कारण यह है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा का गठन किया जाता है, जबकि सीनेट का गठन संघीय आधार पर होता है, यानी प्रत्येक राज्य से दो सदस्यों को लिया जाता है। अतः सीनेट यदि राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है तो प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिबिंब है। पैटरसन के शब्दों पर अगर हम जाएँ तो प्रतिनिधि सभा समूचे राष्ट्र का एक संक्षिप्त संस्करण है। वह अमेरिका के समूचे जीवन का को अभिव्यक्त करती है। सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्त विविधताओं, अच्छाइयों और बुराइयों को वह अच्छी तरह दर्शाती है। तो प्रतिनिधि सभा जो है वो जनता का प्रतिबिंब है, समूचे राष्ट्र का एक संक्षिप्त संस्करण है। फिर हम इसके आगे इसकी रचना पर आते हैं। तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य भारतीय लोकसभा की भांति ही व्यस्त मताधिकार के आधार पर एक सदस्य ही चुनाव क्षेत्र द्वारा चुने जाते हैं। 18 वर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान का 15वां और 19वां संशोधन ये कहता है, राज्यों को यह आदेश देता है कि जाति, रंग, पहले की दास्ता, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति मताधिकार से वंचित न किया जाए, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में अव्यस्त मताधिकार का सिद्धांत देखने को मिलता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 26वें संशोधन 1971 द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। साधारणतः हर वोटर के लिए यही जरूरी है कि वह राज्य का नागरिक हो जिसमें वह मतदान कर रहा हो। इसके अतिरिक्त पागल, मूर्ख, देशद्रोही के अपराध में सजा पाए हुए व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया गया है। पुरुषों को मताधिकार प्राप्त है। साथ ही अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्षों का है और यह कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में न घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। 2 वर्ष की अवधि से पूर्व सदन का विघटन संभव ही नहीं है। इसी प्रकार चाहे युद्धकाल की स्थिति हो या फिर आपातकाल की, सदन में चुनाव स्थगित नहीं किए जा सकते। हर 2 वर्ष के पश्चात सदन के सदस्यों का चुनाव होना जरूरी है। यानी कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष है। फिर इसके जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उसकी योग्यताएं, तो कम से कम 7 वर्ष अमेरिका में का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई नागरिक या सैनिक पदाधिकारी न हो, वह उस राज्य का निवासी हो जहां वह चुनाव लड़ रहा हो। कुछ राज्यों में यह भी रूढ़ी प्रचलित है कि उम्मीदवार उस चुनाव क्षेत्र का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़े। इसको स्थानीय निम्बी कहते हैं, मतलब जो व्यक्ति जहां से चुनाव लड़ रहा है वो वहां का स्थायी सदस्य भी होना जरूरी है। फिर इनके सदस्यों को जो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ दी गई हैं उस पर अगर हम बात करें तो प्रतिनिधि सभा के सदस्य को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता है। सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना करने पर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही किसी न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। परंतु उन्हें शांति भंग करने, देशद्रोह करने, भ्रष्टाचार अथवा अन्य किसी गंभीर अपराध करने पर किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ साथ सदस्यों को निःशुल्क डाक, तार और टेलीफोन की सेवाएं भी उपलब्ध हैं। यानी अपराध या कोई भी किसी तरह के अपराध में अगर वो लिप्त हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे उनके अध्यक्ष हैं, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष। तो स्पीकर का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उसका दूसरा सम्मानित स्थान है। यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति के पश्चात उसी का नंबर आता है। अमेरिका के संविधान के
प्रथम अनुच्छेद में लिखा है कि प्रतिनिधि सदन अपना स्पीकर चुनेगा। यद्यपि स्पीकर का चुनाव औपचारिक रूप से सारा सदन करता है, परंतु वास्तव में वह बहुमत दल का मनोनीत नेता होता है। अतः स्पीकर का चुनाव दलीय आधार पर होता है, जिसमें बहुमत दल के उम्मीदवार की ही जीत होती है। शक्तियों की दृष्टि से भी स्पीकर पद बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर हम आते हैं स्पीकर की शक्तियों में ही आगे, सदन की अध्यक्षता करना। अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना, वह सदस्यों को अनुमति प्रदान करता है कि किसे बोलना है और किसे नहीं बोलना है, अन्यथा किसे पहले बोलना है और किसे बाद में। सदनों के नियमों की व्याख्या करना, उन्हें लागू करना स्पीकर का ही दायित्व है। वह परंपराओं के अनुसार ही सदन की कार्यवाही का संचालन करता है और आवश्यकता के अनुसार वह किसी नई रूढ़ी का निर्माण कर सकता है। यदि किसी नियम के बारे में कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसका निर्णय भी करता है। फिर हम आते हैं इसके कार्य और शक्तियों पर। तो पहले सबसे पहले विधायी शक्तियाँ। कांग्रेस के दोनों सदनों को प्राय समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। कोई भी विधेयक जब तक पारित नहीं होता है जब तक दोनों सदनों में उसको पारित नहीं कर दिया जाए, और वह तब तक कानून भी नहीं बन सकता है। वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में नहीं, किंतु सीनेट को इन विधेयकों में संशोधन करने का पर्याप्त अधिकार है। इस प्रकार प्रतिनिधि सभा उन सभी विधेयकों को रखा जा सकता है जिसका संबंध केंद्रीय विषयों से है। फिर हम आते हैं संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों की भांति संशोधन की शक्ति में भी दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संशोधनों का प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाता है। ऐसा कोई प्रस्ताव तभी पारित हो सकेगा जब दोनों सदन दो तिहाई बहुमत से उसे स्वीकार कर लें। फिर हम आते हैं इसकी कार्यपालिका शक्ति पर। प्रतिनिधि सभा द्वारा युद्ध की घोषणा की जाती है, लेकिन प्रतिनिधि सभा इस शक्ति का प्रयोग सीनेट के साथ मिलकर करती है। दूसरे वह अपनी स्थायी और विशेष समितियों के द्वारा संघीय सरकार के प्रशासन तथा संघीय न्यायालय के कार्यों की जांच कर सकती है। न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे सीनेट द्वारा निश्चित प्रक्रिया के आधार पर स्वीकार कर लिए जाने पर संबंधित अधिकारी को उसके पद से हटा दिया जाता है। मतलब जो महाभियोग का काम है वो भी संसद के अंतर्गत ही, संसद की शक्तियों में ही आता है। फिर निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में प्रतिनिधि सभा प्रथम तीन उम्मीदवारों में से किसी एक को राष्ट्रपति निर्वाचित कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि सभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, जैसे कि वह सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ साथ वह अपनी कार्यप्रणाली संबंधी नीतियों का निर्माण करती हैं और सदस्यों के लिए योग्यताओं का निर्धारण भी करती हैं। तो अगर हम देखें तो प्रतिनिधि सभा जो है उसे भी वही समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, पर कुछ विशेष शक्तियाँ सीनेट को प्राप्त हैं। फिर भी जो प्रतिनिधि सभा है उसका दर्जा दोयम नहीं है, यह समान ही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इस प्रकार से आज हमने अमेरिकी संसद के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम आगे इसके बाद इसकी न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।